नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाले मीठे चावल। नॉर्मली हम ये मीठे चावल चीनी से बनाते हैं, मतलब शक्कर से बनाते हैं, जो खाने में टेस्टी तो लगते हैं, लेकिन आज मैंने जो ये गुड़ वाले चावल बनाए इसमें मैंने कोकोनट भी डाला है। और महाराष्ट्र में इस चावल को गुड़ के साथ तो बनाया जाता है, साथ ही पकाने के लिए नारियल का दूध भी डाला जाता है और फ्रेश कच्चा नारियल भी इसमें कद्दूकस करके डाला जाता है। और ये जो मीठे चावल है गुड़ वाले, ये विशेष करके जो राखी पूर्णिमा आ रही है उस पर उसी दिन बनाए जाते हैं, क्योंकि उस दिन जो एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे बोलते हैं नारियल पूर्णिमा, मतलब जो नारियल वाली पूर्णिमा होती है, समुद्र में नारियल छोड़े जाते हैं, पूजा की जाती है, उस विशेष मौके पर ये चावल बनाए जाते हैं मीठे वाले, और इसमें कोकोनट डलता है, तो इसके कारण इस दो चावल मीठे चावल का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। और मैंने इस चावल को बहुत ही सरल तरीके से बनाया है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाए हैं मैंने गुड़ वाले मीठे चावल। ये देखिए, गुड़ वाले मीठे चावल बनाने के लिए मैंने एक कप बासमती चावल लिए हुए हैं। इससे चावल बहुत ही बढ़िया बनते हैं। जरूरी नहीं कि आप ये लो, आप जो भी चावल यूज करते हैं डेली के लिए वो भी ले सकते हो। और मैंने एक कप के करीब यहाँ पे गुड़ लिया हुआ है। अगर आप कद्दूकस किया हुआ ले रहे हो तो वो भी ले सकते हो। मैं क्या करूँगी, इसको गर्म पानी में भिगो दूंगी। जब तक चावल भी धो करके भिगो के रखूंगी लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक गर्म पानी में, जैसे एक कप ये लिया हुआ है मैंने चावल, तो 2 कप पानी में मैं गुड़ को भिगो दूंगी और उसके बाद छान लेंगे, तो हमारी प्रोसेस भी आसान हो जाएगी। अगर गुड़ में कोई कचरा जैसे रहता है, नॉर्मली आता है गुड़ में कचरा, तो वो भी छन जाएगा बाद में। और यहाँ पर 1 कप ही मैंने फ्रेश, मेरे को अभी कच्चा नारियल नहीं मिला, आप कच्चा नारियल भी डाल सकते हो, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। वैसे ट्रेडिशनली इस चावल को पकाने में नारियल का दूध भी डाला जाता है, पर मेरे पास अभी नहीं है, तो मैंने ये सूखा नारियल ही कद्दूकस किया हुआ है। अगर आपके पास फ्रेश कच्चा नारियल है तो वो डाल सकते हो। और कुछ मैंने स्लाइस भी कर लिए हैं पतले सूखे नारियल के, तड़के में मैं डालूंगी। और तड़के के लिए मैंने लिया हुआ 1 काली वाली बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और 4 लौंग है, और 5 से 6 मैंने काली मिर्च ली हुई है, लगभग 8 से 10 मैंने यहाँ पर काजू लिए हुए हैं। इसको मैंने 2 भागों में कर लिया है। 2 बड़े चम्मच मैंने देसी घी लिया हुआ है, और लगभग 5 इलायची ली थी मैंने, इसका पाउडर बना लिया है। और क्योंकि मीठी चीज़ में अगर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है, तो 1/4 चम्मच या 1 चुटकी मैंने सेंधा नमक लिया हुआ है। तो मीठे चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैं चावल को 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, और उसके बाद लगभग 15 मिनट के लिए मैं भिगो के रख दूँगी। और 2 कप पानी में मैं गुड़ को भिगो के रख रही हूँ गर्म पानी में, ताकि गुड़ मेल्ट भी हो जाए, और उसके बाद में हम छान लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई कचरा हो तो वो भी हम बाद में छान लेंगे। तो ये देखिए, गुड़ वाले मीठे चावल बनाने के लिए मैंने कुकर रख दिया है, धीमी आँच पर गैस ऑन कर दी है। अब मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ, और साथ ही अब मैं डाल दूँगी खड़े मसाले जो मैंने लिए थे, दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और गैस की आंच धीमी ही रखना है, और काजू डाल दूंगी। साथ ही मैंने जो स्लाइस करके रखा हुआ था सूखा नारियल वो भी डाल दूंगी, और बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा भून लेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस। तो ये देखिए, मैंने 1 मिनट भून लिया है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है, क्योंकि अभी ये चावल के साथ भी भुनेगा। तो ये देखिए, चावल धो करके मैंने छन्नी में डाल दिए थे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब धीमी आंच से चावल को अच्छे से भूनना है घी के साथ में, भूनने से चावल बहुत ही बढ़िया बनते हैं। बस हल्के आँच से हमें चलाते रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। ये देखिए, क्योंकि हम चावल भिगो के रखते हैं तो उससे प्रोसेस जल्दी हो जाती है चावल की पकने की भी, तो बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से हम चलाते रहेंगे और भून लेंगे लगभग 3 से 4 मिनट। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट मैंने चावल को भून लिया, आप देख सकते हो कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी कोकोनट जो कद्दूकस करके रखा है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपके पास फ्रेश नारियल है कच्चा तो आप वो डाल दीजिए, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। और ट्रेडिशनली जो महाराष्ट्र में बनता है ये गुड़ वाला चावल पूर्णिमा पे, तो उसमें पकाने के लिए भी नारियल का दूध डाला जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं पानी से ही इसे पकाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने नारियल डाल दिया है, और साथ ही अब मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची पाउडर और चुटकी भर नमक। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने गुड़ को पानी में भिगो के रखा था, फिर इसे छान लिया है, तब वो डाल दूंगी।
ये देखिए गुड़ का पानी डाल दिया, आप कलर देख सकते हो। और इस मीठे चावल में ये अच्छी बात है, हमें कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुड़ का ही अपना ओरिजिनल कलर होता है, तो वो उस चावल में आ जाएगा और बहुत टेस्टी लगता है ये। तो ये देखिए मैंने गुड़ का पानी डाल दिया है, अब उबाल आने देंगे। मैंने गैस की आँच बढ़ा दी है और फुल आँच पर मैं 2 सीटी लगाऊँगी और उसके बाद मैं लगभग 2 से 3 मिनट धीमी आँच पर पका लूँगी चावल को। तो ये देखिए चावल में उबाल आ चुका है, बढ़िया पानी उबल रहा है, तो एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये देखिए इस तरह से। और अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। तो ये देखिए मीठे चावल बन चुके हैं गुड़ वाले और स्टीम पूरी तरह से निकल चुकी है। ये देखिए कितने बढ़िया मीठे चावल दिख रहे हैं और आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है और ड्राई फ्रूट्स उसमें कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे गुड़ वाले मीठे चावल बने हैं और आप देख सकते हो कलर कितना प्यारा आया हुआ है और कितने खिले खिले ये चावल बने हैं ये देखिए। और अच्छी तरह से पक भी गए हैं क्योंकि मैंने इसमें गुड़ साथ में डाल के ही पकाया था, तो कभी कभी ये होता है कि मीठा अगर हम डाल के पकाएं तो पकते नहीं है चावल, तो इसीलिए मैंने धीमी आँच पर पकाया ऐसे 2 से 3 मिनट तक। तो ये देखिए चावल बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुके हैं ये देखिए। तो अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए गर्मा गर्म गुड़ वाले मीठे चावल बनके तैयार है खाने के लिए। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि गुड़ वाले मीठे चावल आपको कैसे लगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।